కుటుంబ సభ్యులారా భారత్ టర్మరిక్ కా హల్దీ కా ప్రముఖ ఉత్పాదక ఉపభోక్త ఔర్ నిర్యాతక దేశ్ హై తెలంగాణ మే యహాన్ కే కిసాన్ భీ బడీ మాత్రా మే హల్దీ కీ పైదావర్ కర్తే హై कोरोना के बाद हल्दी को लेकर जागरूकता भी बढ़ी है और उसकी दुनिया भर में डिमांड भी बढ़ी है। आज ये आवश्यक है कि हल्दी की पूरी वैल्यू चेन में उत्पादन से लेकर निर्यात और रिसर्च तक और अधिक प्रोफेशनल वे में ध्यान देने की जरूरत है, इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। इससे जुड़े एक बड़े फैसले की आज मैं तेलंगाना की धरती से घोषणा कर रहा हूं। केंद्र सरकार ने हल्दी किसानों के लिए हित के लिए और उनकी आवश्यकता को देखते हुए और उनके लिए भावी जो संभावनाएं हैं उसे देखते हुए नेशनल टर्मरिक बोर्ड के गठन का निर्णय किया है। नेशनल टर्मरिक बोर्ड सप्लाई चेन में वैल्यू एडिशन से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों तक किसानों की मदद करेगा। मैं तेलंगाना और देश के सभी हल्दी पैदा करने वाले किसानों को नेशनल टर्मरिक बोर्ड की उसके गठन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ना कुटुंब सभ्युलारा, आज पूरी दुनिया में एनर्जी और एनर्जी सिक्योरिटी इस पर बहुत चर्चा हो रही है। भारत ने ना सिर्फ अपने उद्योगों बल्कि घरेलू लोगों के लिए भी एनर्जी इंश्योर की है। देश में एलपीजी कनेक्शन की जो संख्या 2014 में 14 करोड़ के आसपास थी वो 2023 में 32 करोड़ से ज्यादा हो गई है। हाल ही में हमने गैस सिलेंडरों की कीमतों में भी कमी की है। भारत सरकार एलपीजी एक्सेस को बढ़ाने के साथ अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का भी विस्तार करना जरूरी समझती है। हासम चिरलापल्ली एलपीजी पाइपलाइन अब इस क्षेत्र के लोगों को एनर्जी सिक्योरिटी देने में बहुत बड़ी सहायता करेगी। यहां पर कृष्णापट्टनम से हैदराबाद के बीच मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन का भी शिलान्यास हुआ है। इसके कारण तेलंगाना के विभिन्न जिलों में हजारों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब भी बनेंगे। ना कुटुंब सभ्युलारा, मैंने आज हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में विभिन्न भवनों का उद्घाटन किया। हैदराबाद विश्वविद्यालय को भाजपा सरकार ने इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस का दर्जा दिया है और विशेष फंड उपलब्ध कराया है।
आज मैं आपके बीच एक और बड़ी घोषणा करने जा रहा हूं। भारत सरकार मुलुगु जिले में एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने जा रहा है। और इस विद्यालय का नाम पूजनीय आदिवासी देवियां समक्का सारक्का के नाम पर रखा जाएगा। समक्का सारक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इस पर 900 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। मैं तेलंगाना के लोगों को इस सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार फिर तेलंगाना के लोगों को उनके प्रेम और स्नेह के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी तो मैं सरकारी कार्यक्रम में हूं, तो मैंने अपने आप को वहीं पर सीमित रखा है। अब 10 मिनट के बाद मैं जरा खुले मैदान में जाऊंगा। तो वहां जरा खुले मन से बातें करूंगा। अरे मैं वादा करता हूं, मैं जो भी कहूंगा वो तेलंगाना के दिल की बातें करूंगा, यहां के लोगों के दिल की बातें करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।